हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडम्स एंड फ्रेजेस देखेंगे जो सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा फर्स्ट है कैच द टार्टर। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? टू ग्रैपल विथ एन अनएक्सपेक्टेडली या टू कैच ए डेंजरस पर्सन। इसका हिंदी मीनिंग होगा मजबूत शत्रु से झगड़ा करना। नेक्स्ट है कैट्स पाव। इसका मीनिंग क्या होगा? ए पर्सन यूज्ड बाय अनदर एज ए डीप और टूल। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा निजी स्वार्थ की पूर्ति में जिस व्यक्ति का प्रयोग किया जाए। नेक्स्ट है चीव द कड। इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू पॉन्डर ओवर या मेडिटेट। हिंदी मीनिंग है मनन करना। नेक्स्ट है चिकन हार्टेड। इसका मीनिंग हो जाएगा लैकिंग कॉरेज या कवार्डली, यानी कि साहस से कमी हो जाएगा, यानी कि इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कायर। नेक्स्ट कॉक एंड बुल स्टोरी। इसका मीनिंग हो जाएगा ए कॉन्कॉक्टेड स्टोरी। हिंदी मीनिंग क्या है? मनगढ़ंत कहानी। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल टीयर्स, यानी कि मगरमच्छ का आंसू। मतलब क्या होगा? देखावटी एंड फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ, यानी कि देखावटी आंसू। क्रॉस स्वॉर्ड्स। इसका मीनिंग हो जाएगा टू क्यूरल और फाइट, यानी कि लड़ना। नेक्स्ट है क्राई फॉर द मून, यानी चांद के लिए रोना। मतलब क्या होगा? असंभव वस्तु के लिए इच्छा करना, यानी टू डिजायर द अनअटेनेबल। मतलब क्या हो जाएगा? किसी असंभव वस्तु की कामना करना। नेक्स्ट है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? रिग्रेट इन वैन फॉर वाट कैन नॉट बी अनडन। हिंदी मीनिंग हो जाएगा व्यर्थ पछताना। नेक्स्ट है कट ए सॉरी फिंगर। इसका मीनिंग हो जाएगा टू गिव ए पुअर शो। हिंदी मीनिंग हो जाएगा अपने प्रयास से तनिक भी प्रभाव न छोड़ना। नेक्स्ट है कट बोथ वेज, यानी दो तरफ से काटना। मतलब क्या होगा? आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ साइड्स, यानी दोनों ही पार्टी के पक्ष में तर्क देना। नेक्स्ट है कट नो आइस। इसका मीनिंग हो जाएगा टू फेल टू मेक एन इम्प्रेशन। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? कोई असर नहीं डालना। नेक्स्ट है क्रिएचर कम्फर्ट्स। इसका मीनिंग क्या होगा? लग्जरीज। हिंदी मीनिंग क्या है? विलासिता। नेक्स्ट है करी फेवर। इसका मीनिंग क्या होगा? टू सीक टू विन फेवर बाई गिफ्ट्स और फ्लैटरी। हिंदी मीनिंग क्या हुआ? छल से मदद पाना। नेक्स्ट है चिक बाय जॉयल। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? वेरी क्लोज इंटीमेट। हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? घनिष्ठ। नेक्स्ट है कैच ए स्ट्रो। मीनिंग क्या हो जाएगा? टू एक्सेप्ट हेल्प एंड सपोर्ट इवन फ्रॉम द इनसिग्निफिकेंट। हिंदी मीनिंग क्या होगा? मदद पाना। नेक्स्ट है क्राई वुल्फ। मतलब क्या हो जाएगा? गो गिव फॉल्स अलार्म, यानी कि बेवजह हल्ला करना या गलत सूचना देना। नेक्स्ट है कॉल एस्पेड, यानी कि रेसिस्ट फ्रॉम मेकिंग कंट्रोवर्सियल स्टेटमेंट या बी आउट स्पोकन इन लैंग्वेज, स्पष्ट बात कहना या स्पष्ट वक्तव्य। नेक्स्ट है कट बोथ इंड, यानी कि बिहेव डिसऑनेस्टली। हिंदी में क्या होगा? बेईमानी करना। नेक्स्ट है कट द गॉर्डियन नॉट। इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? टू शट आउट द प्रॉब्लम। हिंदी मीनिंग क्या होगा? किसी कठिन समस्या का समाधान। नेक्स्ट है क्लियर द डेक्स, यानी कि क्या हो जाएगा? मीनिंग टू रिमूव ऑब्स्ट्रक्शंस। हिंदी मीनिंग क्या होगा? कठिनाइयों को दूर करना। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। समझ में आया था लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा। तो हमारे चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगा हुआ तो। थैंक यू।